हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टेक्निकल फिक्स चैनल और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से बिटकॉइन के ऑफिशियल वॉलेट को मैकबुक में या किसी भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका एक मुकम्मल सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप को सर्च करना है। अगर आप यहाँ से कॉइन मार्केट कैप को ओपन नहीं करना चाहते तो आप bitcoin.org बिटकॉइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से सेफ़ भी है और आप आसानी से ओपन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर bitcoin.org आपके सामने आ गई है। आपने यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो इसकी वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में लिखा हुआ है चूज़ योर वॉलेट। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप वॉलेट्स आपके सामने आ गए हैं और यहाँ पर आप मैक ओएस के लिए अपने वॉलेट का इंतखाब कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से एक मरतबा फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन से ओपन करना है। जैसे ही इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं विच क्राइटेरिया आर इम्पोर्टेड टू यू ऑप्शनल। यहाँ पर कंट्रोल को चेक लगा सकते हैं सम वॉलेट गिव यू। आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो फीचर वगैरह हैं जैसे कि 2FA है, आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बिच 32 है, हार्डवेयर वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। लाइटनिंग नेटवर्क को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपने यहाँ से सबको रीड करना है और उसके बाद ही इसे इन्हें सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो वॉलेट आ जाएंगे। आपने सेकंड वाला इलेक्ट्रम को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी यहाँ पर विजिट वेबसाइट का ऑप्शन दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं मैक सेलेक्ट है। आपने यहाँ से विजिट वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप यहाँ से विजिट वेबसाइट पर जाएंगे तो और यहाँ से डाउनलोड इलेक्ट्रम पर क्लिक करेंगे तो इसका जो इंस्टॉलर है आपने यहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ। आपने इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसे अपने मैक में इंस्टॉल करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने है, जैसे कि मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसे डाउन कर लेता हूँ। आपने यहाँ से डाउन कर लेना, इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आपने इसे डबल क्लिक करके दोबारा ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर ये आपके 3-4 सेकंड लेगा ओपन होने में। यहाँ से ये एक मरतबा वेरीफाई होगा। वेरीफाई में भी आपके 4-5 सेकंड लग सकते हैं। अगर लेटेस्ट वर्जन है मैक का तो वो जल्दी इसको वेरीफाई कर लेता है। इसके बाद आपने यहाँ से ओपन करना है। अगर यहाँ पर आपका ओपन नहीं आ रहा और आपका वॉलेट भी ओपन नहीं हो रहा तो आपने सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना है। सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाकर यहाँ से इसे अलाउ कर देना है। जैसे कि यहाँ से सिस्टम, यहाँ पर आपको अलाउ का बटन दिया जाएगा, आपने यहाँ से उसे अलाउ कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद स्टैंडर्ड वॉलेट को सेलेक्ट करने दें। इसके बाद आपने यहाँ से दोबारा नेक्स्ट करना है। क्रिएट ए न्यू सीड, आपने नया वॉलेट बनाना है इसलिए सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करने देना है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ पर जो आपके सामने सीड वगैरह हैं आपने इन्हें किसी पेपर पर लाजमी लिखना है। इन्हें आपने अपने मैकबुक में कहीं स्क्रीन शॉट ले कर नहीं रखना, कहीं पे कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने इनको किसी पेपर पर लिखना है क्योंकि अगर आपके वॉलेट में बिटकॉइन पड़े होंगे और आपका जो वॉलेट इंस्टॉल है आपके मैकबुक में वो किसी वजह से अनइंस्टॉल हो जाता है या आप मैकबुक चेंज करते हैं तो आप दोबारा जो फंड होगा अपने वॉलेट में उसे इसी सीड की वजह से की मदद से रिकवर कर सकेंगे। मैं फ़िलहाल वीडियो के लिए इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेकिन आपने इसे किसी पेपर पर लाजमी तौर पर लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से नोट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसे सेव कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी सीड्स वगैरह होंगे जो आपने कॉपी किए थे वो यहाँ पर आपने पेस्ट करने हैं। जैसे कि कंफर्म सीड्स है, योर सीड्स इज़ इम्पोर्टेड, इफ़ यू लॉस योर सीड्स योर मनी विल बी परमानेंटली लॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कहता है कि आपने जो सीड है उसे कहीं पर लिख लेना है, नहीं तो आपका जो फंड होगा, आपके जो पैसे होंगे वो लॉस हो जाएंगे। टू मेक श्योर डैट यू हैव प्रॉपरली सेव योर सीड्स प्लीज़ री टाइप इट हेयर। यहाँ पर आपने जो भी सीड्स वगैरह हैं उन्हें यहाँ पर पेस्ट करना है, लेकिन यहाँ से पेस्ट नहीं हो सकता, मैं इसे यहाँ पर मैनुअली टाइप कर लेता हूँ।
जैसे ही आपने इन शीट्स को यहाँ पर आपने टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, तो इसके बाद आपने अपने आपने यहाँ से पासवर्ड टाइप करना है। वो पासवर्ड जब आप अपने वॉलेट को ओपन करेंगे तो आपने वो पासवर्ड यहाँ पर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ, तो इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको रीड कर लेना है कि फॉर सिक्योरिटी रीजन वी एडवाइज डेट यू ऑलवेज योर लेटेस्ट वर्जन इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लाइक 25। आपने यहाँ से यस कर देना है। तो यस करने के बाद यहाँ पर आपका जो वॉलेट है वो तो क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस जीरो है। आपके सामने आप यहाँ पर हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर आपने सेंड करने हैं तो आपने यहाँ पर जो जिसको आपने भेजने हैं रिसिपिएंट का एड्रेस आपने यहाँ पेस्ट करना है। कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई यहाँ पर आप अमाउंट टाइप कर सकते हैं। रिसीविंग के लिए आपने क्रिएट ए रिक्वेस्ट, यहाँ से क्रिएट रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एड्रेस वगैरह आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ से एड्रेस आप भेज के किसी को भी ये क्यूआर कोड भेज सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्यूआर कोड बन जाएगा, और वैसे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद जिसको भी आपने भेजना है उसको यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पासवर्ड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप मर्ज़ी सेटिंग वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, लाइटनिंग फीएट एमएस वगैरह। तो यहाँ से आप वो पासवर्ड जैसे कि मैंने रखा था, पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके जो सीट वगैरह हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और ये जो लोगो है ये आपका बता रहा है कि आपका जो वो ओवरव्यू बताएगा, जो भी ओवरव्यू आपके वॉलेट को होगा, प्रॉक्सी वगैरह आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बिटकॉइन के वॉलेट को अपने मैकबुक में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका एक मुकम्मल सेटअप बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।